न्यूज चैनल के माध्यम से हमने आपको बार बार अवगत कराया है कि लाल मेटल सूचागर कंपनी जो अपनी ओवरलोड गाड़ियों को अलापली से आष्टी तक व उसके आगे भेजती है, उस वजह से अलापली आष्टी मार्ग पूरी तरह से खराब हो चुका है। मगर बार बार लॉयड मेटल सूजागढ़ कंपनी के उच्च अधिकारियों को बताने के बावजूद भी उनके कान के पास से जू भी नहीं रेंग रही है। आखिरकार अलापली के राजनेताओं ने यह कदम उठाया कि 7 दिन के भीतर अगर अलापली से आष्टी का मार्ग नहीं बना तो आंदोलन करेंगे और लॉयड मेटल सूजागढ़ कंपनी की सारी गाड़ियां बंद करा दी जाएगी। शहर के अंदर व बाहर से गड्ढों की अगर बात करें तो हमने इसके पहले भी आपको वीडियो में बड़े बड़े गड्ढे दिखाए थे व खराब जर्जर रास्ते दिखाए थे। गड्ढे इतने बड़े हो गए हैं कि अगर लाल मेटल सूजागढ़ कंपनी के एक उच्च अधिकारी को उस गड्ढे में डाल दिया जाए तो वह गड्ढे में समा जाएगा, मगर कंपनी आंख बंद कर सब तमाशा देख रही है। आखिरकार राजनेताओं को यह कदम उठाना पड़ा। हम अपने NBCN न्यूज चैनल के माध्यम से बार बार आपको यह बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे लॉयड मेटल सूजागढ़ कंपनी की काली करतूतें। अलापली से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।